लगता है कि प्रकृति जब हमारी सहायता करना चाहती है तो वो उन्हीं चीज़ों को बहुत अधिक मात्रा में हमें प्रदान करती है ऐसा ही एक पौधा है नीम नीम का पेड़ समस्त भारत में पाया जाता है और जहाँ नीम उत्पन्न नहीं होता वहाँ इसी परिवार का दूसरा पेड़ महानीम मिलता है उत्तरी हिमालय में नीम नहीं हो पाता इसलिए वहाँ बकायन या महानीम प्रकृति ने प्रदान किया है नीम एक शुष्क प्रदेश का पौधा है परंतु यह आसानी से उगाया जा सकता है और इससे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं नीम की छाया में बैठने से बहुत से रोगों से कहते हैं बचाव होता है क्योंकि नीम के अंदर उपस्थित मार्गोसेन नामक तत्व बैक्टीरिया वायरस तथा फंगाई आदि कृमियों को बढ़ने से रोकता है अर्थात बैक्टीरियोस्टेटिक प्रभाव इसका होता है नीम का हर भाग उपयोगी है और नीम की सुरक्षा हमें निरंतर करते रहना चाहिए क्योंकि नीम हमारे अत्यंत प्राचीन काल से हमारे बहुत से रोगों को दूर करने में सहायक रहा है यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने घरों में देखा होगा कि जब कोई वायरस का या ये छोटी माता आदि संक्रमण हो जाता है तो उसमें नीम के पत्ते ला करके पूरे घर में लटका दिए जाते हैं और उनको उसके बिस्तर में भी रोगी के रख दिया जाता है आपको ध्यान होगा कि दादी माँ कहती थी कि जब नीम की पुरानी पत्तियों के ऊपर नई कोपले आनी आरंभ हो जाए तो अक्सर ग्रीष्म ऋतु से पहले ये होता है तो उस समय इन कोपलों को निकाल करके सुबह सुबह खाली पेट चबा कर निकल जाना चाहिए तो रक्त को तिक्त ता प्रदान करेगा और उससे ये कृमि यानि पैरासाइट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी ये उन बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो ज़्यादा मीठा चॉकलेट खाते हैं तो उनको निरंतर ये प्रयोग करना चाहिए तो अधिक चॉकलेट खाने से जो फोड़े फुंसी रक्त की दुष्टि होती है दुष्ट हो जाता है दोष हो जाता है तो उसमें यह लाभ करेगा इसके एक अन्य प्रयोग में नीम के जो कोंपले हैं उनको तोड़ लें और उससे आधी मात्रा में अगर 100 ग्राम पत्तियां हैं तो लगभग 50 ग्राम काली मिर्च मिला करके के कूट लें और जब वो गीला रहे उसी अवस्था में छोटी छोटी गोली बनाकर चने के बराबर रख लें जिस समय ये संक्रमण फैले हुए हों डेंगू मलेरिया साथ साथ ये जो दूसरे व्याधियां हैं स्वाइन फ्लू भी जो भी कृमिजन्य रोग हैं उन सब में चेचक या ये खसरा आदि जो वायरस के द्वारा होने वाली व्याधियां हैं तो उन सब में ये प्रयोग जो मैंने अभी बताया कि काली मिर्च के साथ इसके पत्तों का ये लाभकारी रहेगा उन रोगों से बचाव भी होगा और यदि रोग हो जाए तो उसी की मात्रा दुगने करके प्रयोग कर सकते हैं नीम की छाल का रस यदि निकाल करके और आँख आने की अवस्था में एक कपड़ा लगा कर में भिगा कर और उस पर रख दिया जाए तो ये तत्काल उसमें शीतलता प्रदान करेगा तथा तो धीरे धीरे वो जो कृमि का संक्रमण है जिसको सामान्य भाषा में कंजक्टिवाइटिस या आँख आना कहते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा ऐसे ही प्रयोग में जो नीम का तेल इसमें मार्गोसिन नामक तत्व हो होता है मुझे सब भी यही लाभकारी उसका गुण है उसको हम अपने जब खास खुजली फोड़े फुंसी हो जाए तो एक चम्मच नीम का तेल ले लें और उसको 50 मिलीलीटर तिल तेल में मिलाकर और पूरे शरीर पर यदि मालिश करें और 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दें और उसके पश्चात स्नान कर लें तो आप देखेंगे कि खाज खुजली दोष बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं घाव चोट लगना दैनिक जीवन में एक सामान्य बात है ऐसे में नीम की पत्तियों को कुचल के और उसको पानी में पका लें अर्थात यदि हमारी 100 ग्राम पत्ती हैं तो उसको हम 400 ग्राम पानी में पकाएं और जब चौथाई बच जाए तो छान करके एक शीशी में बंद करके रख लें ये सर्वोत्तम एंटीसेप्टिक तैयार हो गया है ऐसे में जो घाव हो गए हों मनुष्य के भी तथा जीव जंतुओं के भी उन सब में ये बहुत लाभकारी है रुई में भिगा इससे उस घाव को साफ कर दें तथा फिर उसको ही सुखाकर कर और उसको एक पट्टी से बांध दें या यदि वो घाव सूजन है चोट है तो उसमें भी इसको जैसे पानी में डाल करके झाड़ने से गर्म करके पानी में डाल लें थोड़ा और उससे इसको झाड़ने से सूजन भी खत्म हो जाएगी कम होगी और साथ साथ उसके अंदर जो संक्रमण चला गया है वो भी दूर होगा हमारे पूर्वज कह गए हैं कि नीम को घर में उगाइए और स्वस्थ रहिए नीम की दातुन अर्थात एक छोटा टुकड़ा तोड़ करके और उसको दांत में चबा करके दांतन बना लें और उससे निरंतर दांतों को उसका प्रयोग करें दांतों के दांतों के रूप में तो दांतों में होने वाली बहुत सारी व्याधियां जैसे जो उसमें कृमि हो जाते हैं या जंजीवाइटिस जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं पायरिया जिसे हम बोलते हैं इन सब रोगों से नीम अकेला ही बचाने में समर्थ है हाँ एक बात और याद रखें कि नीम जहाँ है यदि आप उसके ऊपर एक गिलोय चढ़ा दें गिलोय को हम कहते हैं अमृता न मरती है न मरने देती है अर्थात एक रसायन है और वो हमारी सप्त धातुओं को पुष्टि प्रदान करके हमें निरंतर स्वास्थ्य रखती है इसी प्रकार जब वो नीम पर चढ़ी हुई हो होगी तो उसके अंदर दुगना प्रभाव पैदा हो जाएगा और उस नीम के ऊपर चढ़ी हुई गिलोय का प्रयोग हमने बहुत से लोगों को कामला पीलिया आदि अवस्थाओं में करते देखा है और जिससे आशाजनक लाभ होता है एक तो कड़वे और फिर नीम चढ़ी तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना उसका गुणवर्धन होता है जैसा कि हमने अभी देखा कि नीम एक उत्तम कृमिहर वनस्पति है यहाँ हम ये भी ध्यान रखें कि हमारे बालों में कई बार बाहर के संक्रमण से किसी के कंघे के द्वारा या निरंतर बालों को स्वच्छ न रखने से बहुत सारे पैरासाइट पैरासिटिक ग्रोथ हो जाती है उनमें खास तौर से फंगस यानी फंजाई आपने देखा होगा कि छोटे पैसे के आकार के छोटे छोटे चकत्ते कई बार सिर में बन जाते हैं वो या तो जो हाँ बाल साफ कराते हैं बाल कटवाते हैं उनके यंत्रों से या आपकी अस्वच्छता के कारण वो बनते हैं उसमें नीम का बहुत बड़ा योगदान है उसमें नीम के शैम्पू आजकल उपलब्ध हैं नीम का तेल को लेकर के नारियल के तेल में और एक भाग नीम का तेल ले लें और उसमें दो भाग नारियल का तेल और दो भाग सरसों का तेल मिला करके उसको गर्म करके और एक उसमें पात्र में रख लें और इस तेल का निरंतर उस स्थान पर दबा कर रगड़ करके अर्थात मर्दन करें तो उससे क्या होगा कि जो जो ये कृमि हैं जिनको हम फंगाई कहते हैं सामान्य भाषा में उनके जो स्पोर हैं वो उसके द्वारा विनष्ट होंगे और तभी वो जो पैच बन गया है छोटा वो हिल होता जाएगा और उसमें आप देखेंगे कि एक सप्ताह के अंदर अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे बाल उगने लगे हैं तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है और इसको करने से आप इन बालों की समस्या पॉल्यूशन के कारण और ये जो दूषित जल है उसके कारण उत्पन्न हुई जो हैं उनमें ये बहुत उपयोगी ये तेल और लाभकारी है इसका निरंतर प्रयोग कर सकते हैं एक अन्य प्रयोग मैं बताना चाहूँगा कि मुझे याद है कि बहुत साल पहले हमने एक प्रयोग किया था उसमें साफ स्वच्छ केमिकल रहित रुई लेकर के और सात आठ पत्ते नीम के और उसमें लगभग दो ग्राम आठ दस पत्तों के साथ दो ग्राम खाने वाला कपूर मिला करके और एक रुई के अंदर लपेट करके बत्ती बना लें इस बत्ती को हम सरसों के तेल में भिगा करके और इसका काजल निकाल लें मुझे ध्यान है कि जब दिवाली का त्यौहार होता था तो एक कांसे के बर्तन के नीचे और तेल में बत्ती लगा करके और एक दिया जला दिया जाता था और उसके ऊपर से जो काजल निकलता था वो कांसे के पात्र में जमा होता चला जाता था फिर उसे उतार करके थोड़ा सा उसमें तेल तेल मिला लेते थे और एक अच्छे पात्र में रख देते थे हल्का सा कपूर भी उसमें मिलाया जा सकता है तो ये बहुत उत्तम नेत्र के लिए हितकारी प्रयोग है यहां मैं ये बताना चाहूँगा कि इन प्रयोगों के बारे में बहुत ये बताना आवश्यक इसलिए है कि बहुत इनके बारे में भ्रांत धारणाएं फैलाई जाती हैं जो कि इस विषय को जानते भी नहीं वो लोग इनके बारे में तरह तरह के कि इससे नेत्र को हानि होगी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ और मैं अपने पिछले पचास साठ साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये एक कोलाइडल फॉर्म है और इसमें प्रति भर भी हानि नहीं होती है और उल्टे ये कृमि की ग्रोथ को रोकता है और नेत्र के जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको ये लाभ करता है कई तो बार वायरल आँखों के रोग फैलते हैं तो यदि हम उसमें मैंने जैसा भी बताया था कि 10 ग्राम काजल में एक ग्राम कपूर भी मिला लें तो कपूर तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में समर्थ है अर्थात हम चिकित्सा शास्त्र के अनुसार इसको बैक्टिसाइडल अर्थात बैक्टीरिया को मारक प्रभाव तक इसके अंदर विद्यमान है जब हम नीम का वर्णन करते हैं तो अगर हम नीम के रोने के बारे में बात न करें तो ये अधूरा रह जाएगा एक्चुअल में नीम का रोना एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है और यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आपको नीम कभी रोता हुआ मिल जाए अर्थात उसके सारे जो कार्यकारी तत्व हैं वो सिमट करके उस जल में आ जाते हैं और किसी भी स्थान पर जहाँ उसमें कहीं छिद्र होता है वहाँ से वो जल निकलना आरंभ होता है और वो निरंतर गिरता रहता है जो व्यक्ति इसके प्रयोग को जानते हैं वो उसको किसी पात्र में बाल्टी आदि में इकट्ठा करके रख लेते हैं और इसके पश्चात ये देखा गया कि अक्सर नीम नष्ट हो जाता है सूख जाता है और वो ये जल जो दे रहा है वो इसका मतलब ही ये है कि वो हमें और अधिक लाभ देना चाहता है तो हम नीम के इस ताड़ी को बहुत से लोग इसको नीम ताड़ी भी कहते हैं क्योंकि जैसे ताड़ी उससे श्रावित होती है पेड़ के तने से उसी तरह ये नीम का रस भी निकलता है और इस को हम एकत्र करके और यदि इसको एक बटा दस भाग इसमें शहद मिला लें और अच्छे डिब्बा बंद या अच्छे ढकने वाले जो एयर टाइट बर्तन हैं उनमें इकट्ठा करके रख दें तो कुछ समय बाद ये स्थिर हो जाएगा अर्थात इसमें फिर कृमि नहीं उत्पन्न होंगे क्योंकि मधु या शहद भी इसको एक प्रोटेक्टिव अर्थात प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है इस लिक्विड को इस द्रव को हम निरंतर त्वचा रोगों के लिए एलर्जी में और रक्तपित्त जैसी अवस्थाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं एक से दो चम्मच की मात्रा में दो बार देने से ये लाभ प्राप्त होता है यहाँ मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि नीम से आजकल बहुत सारे खाद आदि भी बना रहे हैं ये ऑर्गेनिक जब प्लांटेशन हम कर रहे होते हैं तो उस समय हमें नीम की बहुत नीम का बहुत महत्व है उसमें क्योंकि नीम की खली तेल निकालने के बाद जो बचती है नीम के जो फल हैं उनकी गुठली उन सबको सुखा करके कूट पीस करके और उसमें खली में मिला करके लोग खेतों में खाद में और कृमिहर के रूप में प्रयोग करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे याद है कि एक विदेशी कंपनी ने हमारे जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें वो सारा नीम के प्रोडक्ट और वो सब ले जा करके विदेशों में ले जा कर के और उसके विभिन्न प्रोडक्ट बना कर के फिर हमारे यहाँ ही भेज रहे थे और मुझे इस बात पे थोड़ा कष्ट भी होता है कि हम लोग इन चीज़ों को अपनी चीज़ों को बहुत मामूली और वो छोटा समझ करके इनका प्रयोग करने से डरते हैं या बचते हैं और परंतु अगर हम इनके महत्व को पहचान लें तो हम इनका संरक्षण करेंगे इनको अपने खेतों में इनका उपयोग करेंगे जो विभिन्न प्रकार के वायरस जो आपके पेड़ों को जैसे वो जो एक रस चूसने वाला कीड़ा है जो क्लोरोफिल को पत्तियों से चूस लेता है इसके अलावा जो मिट्टी को खराब करते हैं उन सब में नीम का जैसे मनुष्य के लिए उपयोग है ऐसे वनस्पतियों के लिए और स्वयं अपने लिए भी उपयोग है अतः आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रयोग नीम का हमारे जीवन में हो सकता है या हो